आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स और हैक शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आपको पैसों की भी बचत होगी और आपका घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा। ऐसे टिप्स आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। इन टिप्स को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि काश हमें ये टिप्स पहले से ही मालूम होती और हम इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इन टिप्स से फ़ायदा हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरे कपड़े यहाँ पर धुल रहे हैं, इनके अंदर से मिट्टी भी निकली है, रेत भी निकली है और कपड़ों के छोटे छोटे जो रेशे हैं वो भी छूटकर निकले हैं। ये सब चीज़ें मोटर के अंदर फंस जाती हैं। यहाँ पर हम एक गलती करते हैं, मोटर जब हम मशीन की धोते हैं मशीन को, तो वहाँ पर हमसे गलती हो जाती है, जो सारी चीज़ें जो है ना मोटर के अंदर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटर ख़राब हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ, जिस तरीके से आप अपनी मशीन को धोएंगे तो आपकी मोटर के अंदर जितना भी कचरा, धागे, रेत, मिट्टी फंसी होगी वो आराम के साथ निकल जाएगी। एक चीज़ आप किया करें, जब आप वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल लिया करें तो मोटर को चलाकर उसके अंदर आप पानी डालेंगे ना, तो उसके अंदर जितना भी कचरा फंसा होगा वो पाइप के ज़रिए जो है वो वॉशिंग मशीन से निकल जाएगा और आपकी मोटर जो है वो एकदम साफ़ सुथरी और नीट क्लीन रहेगी और आपकी मशीन जो है वो लंबे समय तक चलेगी। मोटर रोक कर आप कभी भी पानी ना डाला करें, इसकी वजह से ना मोटर के अंदर सारा कचरा जितना भी होता है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर की सफाई सही से नहीं हो पाती और आप जब दूसरी मरतबा कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर जितना भी कचरा होता है वो फंसा हुआ होता है, तो आपकी मशीन नहीं चल रही होती तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके के साथ मैंने इस वॉशिंग मशीन के टप टप को साफ किया है। मैंने चलाकर इसके अंदर पानी डाला था, मोटर का बटन जो है मैंने ऑन कर दिया था और फिर मैंने पानी डाला था, इसके अंदर जितना भी कचरा, मैल कुचैल और कपड़ों के जो रेशे होते हैं वो फंसे हुए थे वो निकल कर साफ़ सुथरी मशीन जो है हमारी हो गई है। यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन को अंदर से तो साफ़ कर लिया, लेकिन बाहर की सफाई का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ होता है। हम बाहर से वॉशिंग मशीन को पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं धो सकते, क्योंकि वॉशिंग मशीन के जो ज्वाइंट होते हैं या यहाँ पर जो बटन लगे होते हैं इनके अंदर पानी जाता है, ये ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन जो है ना हमारी चलती नहीं है। तो हमें किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है कि आए हमारी वॉशिंग मशीन सही करें तो हम कपड़े धोएँ। इससे हमारा बहुत सा वक्त भी ज़ाया हो जाता है और पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो वॉशिंग मशीन के ऊपर स्टिकर इन लोगों ने लगाए होते हैं, ये बहुत ही हार्ड वाले ग्लू के साथ लगाए होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, जिसके बाद ये उतर जाते हैं ना, नीचे इनका ग्लू रह जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। और इस तरह से जब हम कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन के ये जो जॉइंट होते हैं इनके अंदर सर्फ वाला गंदा पानी या मैल कुचैल या ओपन गैलरी में वॉशिंग मशीन रखी होती है तो उसके ऊपर इस तरह से गर्द गुबार जो है वो जम ही जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त सा स्प्रे बनाना आपको बताऊँगी, जिसके साथ आप अपनी वॉशिंग मशीन की बॉडी का भी ख्याल रख सकते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन का कलर जो है बाहर की प्लास्टिक बॉडी जो है वो कभी भी पीली नहीं पड़ेगी और हमेशा चमचमाती और नई जैसी आपकी बॉडी रहेगी। तो आइए चलते हैं, ये लिक्विड बनाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बोतल के अंदर मैंने स्प्रे बोतल के अंदर पानी भर लिया है थोड़ा सा, जितने के साथ मेरी वॉशिंग मशीन साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जो है हार्पिक का डाल दिया है। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और वॉशिंग मशीन के ऊपर जो है मैं स्प्रे करके इसको साफ़ करती जाऊँगी। आप देखें मैल कुचैल ऐसे उतरेगा जैसे था ही नहीं। तो सबसे पहले जो स्टिकर लगे होते हैं ना, ये इनको उतारना बहुत मुश्किल काम होता है, बड़ा सख्त वाला ग्लू लगा होता है, मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं शीशे के ऊपर रखे हुए ये बहुत बुरे लग रहे हैं, तो इनके ऊपर मैंने ग्लू डाल दिया है। तो इसको मैं 10 मिनट तक छोड़ दूंगी। जहाँ जहाँ पर वॉशिंग मशीन के ज्वाइंट होते हैं या ज़्यादा मैल कुचैल या गंदगी जमी होती है, तो इस तरीके के साथ आप इसको हार्पिक को इसके ऊपर लगाते जाएँ ताकि हार्पिक जो है वो ठहर जाए 10 मिनट के लिए और अपना काम करे। वॉशिंग मशीन का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि कुछ जगहों की सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि वॉशिंग मशीन के पीछे ये जो जाली लगी हुई है, इसके अंदर आप कपड़े के ऊपर थोड़ा सा हार्पिक लगाएं और इसकी जालियों के अंदर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। और वॉशिंग मशीन की जो तार होती है ना, ये भी गंदी अगर हो जाए तो बहुत बुरी लगती है, और साथ की जो ओरिजिनल लीड लगी होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये ख़राब हो जाए तो इस तरीके की आपको दोबारा मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं हार्पिक ने अपना काम दिखा दिया। अभी थोड़ा सा मैं स्प्रे कर लूँगी इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था, और उसके बाद जिस स्क्रबर के साथ आप फ्रिज साफ़ करते हैं ना उसी के साथ आपने इसको रब करना है, तो ये आराम के साथ उतर जाएगा। कोई नुकीली चीज़ आपने इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी।
क्योंकि वॉशिंग मशीन के ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद नीचे जो रह जाता है ना गिलू, वो बहुत सख्त वाला होता है, उसको आप जो इरेज़र होता है ना बच्चों का स्कूल में बच्चे यूज़ करते हैं, उसके साथ आप रब करेंगे, आराम के साथ उतर जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का शीशा जो है ना ऊपर से, वो बहुत ही खूबसूरत लगने लग गया है। तो आपके घर में इस तरह से वॉशिंग मशीन साफ़ सुथरी रखी होगी, एक तो दिखने में अच्छी लगेगी और दूसरी बात जो है ना वो ख़राब नहीं होगी जल्दी। बॉडी उसकी जो है ना बहुत ही वाइट, अगर वॉशिंग मशीन है तो वाइट ही रहेगी, उसकी बॉडी कभी पीली नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जिस एरिया पर मैंने हार्पिक लगाया था वहाँ पर वो हार्पिक सूख चुका है। हल्का हल्का स्प्रे करने के बाद टूथब्रश के साथ आप उसको रब करेंगे तो आराम के साथ जो जितनी भी मैल कुचैल जो ज्वाइंट के होते हैं ना मशीन के उनमें फंसी होती है वो निकल जाएगी। तो अभी आप स्प्रे करते जाएँ और कपड़े के साथ जो है ना साफ़ करते जाएँ, जितने भी सरफ के जो मैले मैल कुचैल निकलती है ना कपड़ों की, वो मशीन के बाहर वाले हिस्से पर तो लाजमी गिरती ही गिरती है और इस तरीके से लगी होती है तो बहुत बुरी लगती है, जिसकी वजह से आपकी वॉशिंग मशीन की बॉडी जो है वो पीली पड़ जाती है और रफ्ता रफ्ता जो है ना उसकी मुद्दत जो है कम होती जाती है और वो टूटना शुरू हो जाती है। तो अब देख सकते हैं जो पीछे जालियाँ लगी हैं उनके अंदर मैं टूथब्रश की मदद से इस तरह से सफाई करती जा रही हूँ। हार्पिक मैंने लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से आप रब करते जाएँ, आराम के साथ साफ हो जाएगी। जब कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन की लगे हाथ अंदर से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर से हम देखते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं क्योंकि हमने काफ़ी सारे कपड़े धोए होते हैं तो काफ़ी थकावट होती है, जिसकी वजह से हम इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि चले फिर साफ कर लेंगे। हफ्ते 15 दिन में या महीने में एक बार इस तरह से आप अपनी वॉशिंग मशीन की सफाई कर लेना, आपकी मशीन सालों तक चलेगी। आप यकीन करें मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना वो 15 साल भी चली है और कभी उसको ना मैंने कहीं सही होने के लिए भेजा है और ना ही ठीक करने के लिए किसी को घर पर बुलाया, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पैसे बचे हैं और मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना वो बिल्कुल नए की नई है, आप देख सकते हैं। तो अभी इस तरीके से आप एक दफ़ा गीला कपड़ा कर लें, साफ़ कपड़ा गीला कर लें और उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके के साथ साफ़ करें, आपकी वॉशिंग मशीन एकदम चमक जाएगी और आपको यूँ लगेगा कि हाँ आपने अभी अभी मार्केट से ख़रीद कर अपने घर पर लाएँ और आपकी मशीन बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, ख़राब भी नहीं होगी। और आप जिस घर के जिस कोने में भी अपनी वॉशिंग मशीन को रखेंगे ना वहाँ पर आपको रखी भी खूबसूरत लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं आपको मैंने स्टिकर साफ़ करने का भी तरीका बता दिया और एक स्प्रे आपके घर में तो हार्पिक हर वक्त मौजूद होता ही होता है वो भी बता दिया। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी वॉशिंग मशीन का फाइनल लुक। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये वाली आज की जो वॉशिंग मशीन साफ़ करने वाली टिप मैंने आपके साथ शेयर की है ना आपको कैसी लगी, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और जो मेहनत मैं करती हूँ वो भी रायगा ना जाए। तो मैं आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।